तो गैस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप पॉलिटेक्निकल की फ़ीस कैसे ऑनलाइन सबमिट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मोबाइल फ़ोन में या फिर लैपटॉप में क्रोम ब्राउज़र ओपन करके आपको अपने कॉलेज का नाम एंटर करना है, जो भी नाम है। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख दिया GPA अम्बाला। तो उसके बाद आपको अपनी गवर्नमेंट वेबसाइट पर आपको विजिट करना है पॉलिटेक्निकल की। तो आप पॉलिटेक्निक वेबसाइट पर आ जाओगे। अब देखिए आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा नोटिस का, तो नीचे आपको स्लाइड करना है। तो नीचे आपको कहीं ना कहीं टोकन फ़ीस का ऑप्शन मिल जाएगा। हर वेबसाइट में अलग अलग ये ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर आपको टोकन फ़ीस पे क्लिक करना है। देन उसके बाद आपका जो रोल नंबर है कॉलेज में, वो आपको यहाँ पर एंटर करना है केयरफुली। तो जैसे आप एंटर करोगे रोल नंबर अपना, उसके बाद आपको एंटर की दबानी है कंप्यूटर में। उसके बाद जैसे आप एंटर की दबाओगे, तो यहाँ पर मैंने गलत रोल नंबर लिख दिया है, तो आपको केयरफुली लिखना है। तो यहाँ पर मैंने 10 और डालनी थी। उसके बाद आपको एंटर की दबाना है। उसके बाद आपका नाम, रोल नंबर, ये सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा, और आपका डिपार्टमेंट कौन सा है ये सब कुछ आपका यहाँ पर आ जाएगा, कि आप मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, या फिर ऑटोमोबाइल है, ठीक है। उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा सेलेक्ट फीस टाइप का, आपको यहाँ पर क्लिक करना है कि आपको एडमिशन फ़ीस कौन सी देनी है, रेगुलर एडमिशन, टोकन फ़ीस, जो भी आपकी फ़ीस है। जैसे हमारी रेगुलर सेमेस्टर की फ़ीस है, तो हम आपको दूसरा नंबर सेलेक्ट करेंगे अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपको भी ऐसे सेम करना है। उसके बाद कौन से सेम किया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो हमारी यहाँ पर है 6th सेम की, लास्ट सेम। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको सेलेक्ट करने के बाद आपको अमाउंट आपको यहाँ पर भरना है कि आपकी कितने सेमेस्टर की फ़ीस है। तो आप यहाँ से कीबोर्ड से भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर जैसे 3450 मैंने लिख दिया। उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा पे नाउ का, तो यहाँ पर सिंपली आपको पे नाउ पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे, उसके बाद आपको ये रीडायरेक्ट कर देगा पेमेंट पर। आप UPI से, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंक से पे कर सकते हो। हम यहाँ पर करेंगे कार्ड से पेमेंट, ATM कार्ड से, या फिर डेबिट कार्ड से, या फिर क्रेडिट कार्ड से। तो मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, तो यहाँ पर मैं क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन दूंगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया क्रेडिट कार्ड का नंबर सबसे ऊपर, नाम, उसके बाद क्रेडिट कार्ड का नंबर, उसके बाद मंथ या ईयर की एक्सपायरी डेट, उसके बाद CVV कोड मैंने यहाँ पर दे दिया है। देने के बाद उसके बाद मोबाइल नंबर मांग रहे हैं, जो भी मोबाइल नंबर मेरा लिंक है कार्ड से, तो मैंने यहाँ पर मोबाइल नंबर भी दे दिया है आपके सामने। उसके बाद नीचे आपको पे का ऑप्शन मिलेगा नीचे की तरफ, तो नीचे आपको पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ईमेल वगैरह दे देना है, तो नीचे आपको पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, तो उसके बाद देखिए आपके सामने क्या इंटरफेस होगा, पेमेंट वाला फॉर्मूला खुल जाएगा। तो यहाँ पर आपको बताएगा कि इतना टैक्स आपको लगेगा और इतना पे आपको करना है। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है पे वाले ऑप्शन पे, तो आप टैक्स देख सकते हैं फ़ीस कितना लगा हुआ है। यहाँ पर पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर, तो उसके बाद देखिए क्या होगा कि आपके पास एक OTP आएगा। UPI से कर रहे हो तो UPI का आपको यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा एड्रेस। उसके बाद अगर ATM कार्ड से कर रहे हो, तो आपके पास OTP आएगा आपके मोबाइल नंबर पर, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है, जहाँ पर लिखा हुआ है एंटर वन टाइम पासवर्ड। तो वो OTP आपके मोबाइल पर जो भी आया है, वो यहाँ पर आपको एंटर करना है, जो भी OTP आपके पास है, क्योंकि उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। तो आपके कार्ड से पेमेंट कट जाएगी और आपकी जो फीस पेमेंट है वो सक्सेसफुली डन हो जाएगी। आप इस वीडियो में देख ही रहे हैं, यहाँ पर लिखा आ चुका है पेमेंट सक्सेसफुली। इस पेमेंट सक्सेसफुली का आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है अपने कॉलेज में दिखाने के लिए। इस पर आपका रोल नंबर, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब कुछ यहाँ पर लिखा रहता है, ताकि आपके पास ये प्रूफ हो जाए। ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर लिखा रहता है। तो आज की वीडियो में इतना ही मैंने आपको बताया कि पेमेंट आप कैसे भर सकते हैं। गाइस, मैंने आपको इसमें सिंपल स्टेप में बताया है कि आप पॉलिटेक्निकल की फ़ीस कैसे आप सबमिट कर सकते हो। तो दोस्तों, इसी तरीके से आप अपनी खुद से, अपने मोबाइल फ़ोन से, लैपटॉप से, जो भी डिवाइस आप यूज़ करते हो, तो उससे आप अपनी पेमेंट, आप फीस आप पॉलिटेक्निकल की भर सकते हो। तो ये सारा प्रोसेस था जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। अगर दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साथ में बेल पर, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें आपको तो नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।